और सर्बिया का नाम पर इसलिए लूट रहे हैं कि भाई इसको हम जक्सन मानते हैं, यानी यहाँ आओ और सोचते हैं कि हम डंकी लगा करके दूसरे कंट्री में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी आए हैं, इनको भी मालूम है, मैं भी हूँ, मुझे भी मालूम है कि ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वहाँ से नज़र आता है, लोग आपको ख्वाब दिखाते हैं कि भाई वहाँ चले जाओगे तो बस, यूरोप तो ऐसे है, एक कदम में चले जाओगे, पुर्तगाल पहुँच जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों हाजिर है एक हमारे मित्र जो कि सर्बिया में हैं और ये वेल्डर का जॉब करते हैं और इनका आपने ऑलरेडी वीडियो देख लिया है। तो जो भी कमेंट्स है वेल्डर के जॉब्स का वो मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में, और ये से लेकर जेड तक पूछेंगे इस जॉब के बारे में, क्या जॉब हो रहा है और जो फ्रेशर इधर आएंगे या रिटर्नर जो भी हैं तो कितना सैलरी मिल जाएगा और कौन से कंसल्टेंसी से आए हैं ये भी बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद, अच्छा, यानी दिल्ली के पास, ठीक है। तो आपको यहाँ सर्बिया में कितना दिन हो गया? 3 महीने हुए। 3 महीने, तो पहले थोड़ा काम के बारे में बताइए कि क्या काम करते हो? काम तो हम वेल्डिंग का करते हैं, मिग वेल्डर का काम है, पर हम सिलेक्ट आर्क वेल्डिंग में हुए थे। अच्छा, और इधर आकर के मिग वेल्डिंग करनी पड़ रही है हमको, तो इसलिए अगर आप आओ तो थोड़ी बहुत जानकारी हर काम की होनी चाहिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उनको हमने बताया कि हम उसमें आए हैं, फिर भी हमको ये काम करना पड़ रहा है वेल्डिंग का। तो एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप यूरोप में आ रहे हो तो आपके पास अगर मल्टी टैलेंट है तो और अच्छा है, यानी दो तीन काम अगर मालूम है तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो काम जो हो रहा है वो अभी किस चीज़ का हो रहा है? अभी तो यहाँ पे पोल बन रहे हैं, पोल से बनते हैं और स्ट्रीट लाइट पर लगते हैं पोल। अच्छा, उसी का काम है, स्ट्रक्चर का काम है, यही काम है। अच्छा, और ड्यूटी कितना है? ड्यूटी हमारा 10 घंटे का है। 10 घंटे का है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए अगर जो नया व्यक्ति हो, अगर उसको आना हो सर्बिया में, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी सर्बिया में आने के लिए? हाँ, और कितना एक्सपीरियंस पहले चाहिए ये बताइए। हम तो फ्रेशर थे, हमें तो इंडिया का ही 8-9 साल का एक्सपीरियंस था। आपके पास? हाँ। और मिनिमम कितना रहेगा तो वो लोग आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? 3 साल का तो वो होना चाहिए। 3 साल? हाँ जी, 3 साल का तो होना चाहिए। चलिए, मैं हमेशा बताता हूँ कि 2 या 3 साल का होना चाहिए, तो 3 साल आप मान के चलो, ठीक है। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स तो एक्सपीरियंस लेटर होने चाहिए हमें, ओके, इस कंपनी में आप जॉब करते हो। हाँ, उसके बाद पासपोर्ट होना चाहिए बस। और उसके बाद एक रिज्यूम बनवा लो। हाँ, एक रिज्यूम बना लो, ठीक है। यानी फ्रेशर लोगों के लिए, अगर जो रिटर्नर है वो तो अपना उधर का भी एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो और भी ठीक है, वो भी लगा दो। और अच्छा, अच्छा, कि उसके बाद कोई ट्रेड टेस्ट सेंटर का कुछ लगता है वेल्डर के लिए ना? 3G 6G R वेल्डर का लगता है। 3G 6G R वेल्डर, अगर मिग वेल्डर की रिक्वायरमेंट है तो मिग वेल्डर लगाएंगे। हाँ हाँ, यानी आपके जो जॉब है उसके लिए नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना हमारे लिए भी, जैसे हमको इन्होंने अपने पोस्ट करा था कि हमको मिग वेल्डर चाहिए। हाँ, तो उसमें मिग वेल्डर का सिलेक्ट हुआ था हमारा। तो एक टेस्ट सेंटर से सर्टिफिकेट मारना पड़ता है? नहीं, वो नहीं लगा। वो नहीं लगा, वो नहीं लगा। अच्छा, यानी कुछ लोगों का लगता है, जैसे दिल्ली में ABCD है और एक एडको है, वहाँ से टेस्ट दे करके जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसके थ्रू भी आपको वीज़ा मिल जाता है, जैसे अगर सऊदी दुबई जाना है तो, मुझे ये मालूम है, ठीक है। हाँ, ABCD है ना जो ट्रेनिंग सेंटर, बहुत ऑफिस है ना वो ABCD की। हाँ, तो इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो। अब बताइए ये है कि कोई भी फ्रेशर अगर यहाँ सर्बिया में आ रहा है तो उसका बेसिक सैलरी कितना मिलना चाहिए और जो मैक्सिमम है उसका तो बात ही कुछ और है। हम भी फ्रेशर ही थे यहाँ पे, पहली बार आए हैं। हाँ, तो हमारा 10 घंटे का 40,000 सैलरी लगा हुआ, यानी इंडिया का 40,000। 530 USD। हाँ, 530 USD। चलिए, तो सैलरी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि भाई साहब आपने पूछा नहीं कि उनको सैलरी क्या मिला है, ठीक है। तो सैलरी इनका $530 है। और ये बता दीजिए कि आप किस एजेंट से आए हो, कि ऑफिस से आए हो, वो आप बताइए। नहीं, एजेंट से नहीं है, हम तिरहान कंसल्टेंसी नाम से ऑफिस है एक दिल्ली में। हाँ, वहाँ से आए थे हम, पर हमारा एक दोस्त है जो एजेंट के थ्रू आया था, पर उसने एक बस मतलब वो कुछ ज़्यादा पैसे दे रहा था हमारे से। हाँ, तो जो एजेंट वाला बंदा आया है उसका बता सकते हैं कि भाई उसने कितना पैसा लिया है, लेकिन ऑफिस का चार्जेस नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि ऑफिस का जो चार्जेस है ना लो और हाई होता रहता है। तो आप लोग उधर जाओगे और बोलोगे हमने तो वीडियो देखा है कि भाई इतना सर ऑफिस चार्ज है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है हमारे लिए। तो जो एजेंट से आया है वो कितने देकर आया है यहाँ पे?
वो तो 1,80,000 देगा। तो 1,80,000 रुपए वो बंदा बता रहा है कि देकर आया, और क्या सच है क्या गलत है वही जानता है, ठीक है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 2,50,000 रुपए देकर आए। देखो भाई, भूखमरी तो हमारे पास है ही, जॉब है नहीं, तो हम सोचते हैं कि भाई कैसे भी करके हम पहुँचे, और सर्बिया के नाम पर इसलिए लूट रहे हैं कि भाई इसको हम जक्सन मानते हैं, यानी यहाँ आओ और सोचते हैं कि हम डंकी लगा करके दूसरे कंट्री में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी आए हैं, इनको भी मालूम है, मैं भी हूँ, मुझे भी मालूम है कि ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वहाँ से नज़र आता है, लोग आपको ख्वाब दिखाते हैं कि भाई वहाँ चले जाओगे तो बस, यूरोप तो ऐसे है, एक कदम में चले जाओगे, पुर्तगाल पहुँच जाओगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। इसलिए अपना आओ तो यही सोच गए यहीं पर काम करना, यहीं पे काम करना है, और यहाँ पे अपना काम करके जो भी एक्सपीरियंस बनता है बना करके, अगर पैसा इंक्रीज हो रहा है तो आप यहाँ पर भी अच्छा खासा बना सकते हो, जैसे एक्सपीरियंस बन जाए तो दूसरी जगह जा सकते हो, हाँ तो अच्छा, हाँ अच्छा सैलरी मिलेगा। और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लैंग्वेज हाँ। प्रॉब्लम हो रहा है सबसे ज़्यादा ये, जैसे इंग्लिश नहीं मालूम है इनको, हाँ जिसको इंग्लिश नहीं मालूम है उसको दिक्कत होती है, मैं फिर भी थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। और इनको मालूम है आपके जो ओनर है जहाँ पे आप हाँ, काम करते हाँ, हो, चलो भाई अच्छी बात है, चल जाता हमारा यानी काम चल, और ये एडजस्ट हो जाता है भाई, जो बॉडी लैंग्वेज है ना, आप गुड बैड सैलरी वैलरी ईट वोट ऐसे बोलोगे उससे भी काम चल ही जाता है, वो लोग समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ के 80% लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, 20% हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं, यानी सर्बियन बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा सा एक मसला था, और खाने पीने का तो भी तो थोड़ा दिक्कत ही है यहाँ का, खाने पीने का तो कोई नहीं है, खाने पीना अगर अपने आप से बना के खाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे तो ऐसे नहीं। हाँ, और एक बात बता दूं कि अगर अपने आप से बनाओगे ना तो पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा खाने पीने का, इसलिए कि यहाँ पर क्या है कि सब्जी उब्जी सस्ता ही है। मैंने अभी लिया जैसे एप्पल्स, फ्रूट तो और भी ज़्यादा सस्ता है, मैंने कीवी लिया 100 दिनार का यहाँ का मिला, यानी इंडिया का 70 रुपये में 1 kg मिला, और वो चेरी था वो लिया मैंने 120 रुपये का 1/2 kg मिला, तो ये सब बहुत सस्ता है। अखरोट भी 1/2 kg लिया तो वो 400 दिनार का मिला, इंडिया का कितना होगा 400 दिनार, इंडिया का तो 300 करीब, 300 के आसपास, यानी सस्ता है यहाँ पे। दोस्तों आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि वेल्डर की जॉब में सैलरी क्या मिलती है, कौन से कंसल्टेंसी से ये आए, और आप लोग भी वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो एक काम करना कि चैनल पे विजिट करना, बहुत ज़्यादा वीडियो है, देख लेना, देखोगे तो आपको नॉलेज होगा कि हम वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ आ सकते हैं। और मैं बार बार यहाँ फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मेरा बस जाने वाला है, टाइम हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई मुझे अब निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और जैसे कि हर बार की तरह कहता हूँ कि सुनो सब की, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय।